विश्व कप हारने के बाद भी यशस्वी जायसवाल को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। पिता ने भावुक होकर कही दिल छू लेने वाली बात। साउथ अफ्रीका की मेजबानी में खेला गया अंडर 19 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मैच में DRS मेथड से बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज की और अपना पहला अंडर 19 खिताब जीता। मगर सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। यशस्वी जायसवाल को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। मुंबई के प्रतिभाशाली युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ICC अंडर 19 विश्व कप में शानदार बल्लेबाजी की। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जायसवाल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जहां 6 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 133.33 के औसत के साथ 400 रन बनाए। यशस्वी ने 5 अर्धशतकीय और 1 शतकीय पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ तो युवा बल्लेबाज ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपनी शतकीय पारी की मदद से बिना विकेट गवाए लक्ष्य हासिल कर अपने चिर प्रतिद्वंदी टीम को 10 विकेट से मात देने में अहम भूमिका निभाई। टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी के लिए यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। यशस्वी जायसवाल के पिता हुए भावुक। खिताब हारने के बाद टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। भारत की हार के सामने यशस्वी को मिला खिताब से उनके पिता खुश तो हुए, मगर जीत के बिना ये खुशी उनके लिए फीकी है। जायसवाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिलने के बाद पिता भूपेंद्र जायसवाल ने NI से बात करते हुए कहा, वह अच्छा खेले लेकिन मैं और अधिक खुश होता अगर भारत विश्व कप जीतता। मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में अच्छा खेलेगा और देश के लिए अच्छा करेगा। DLS मेथड से जीती बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश और भारत के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। परिणाम स्वरूप पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 178 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी कर लक्ष्य के नजदीकी थी कि बारिश ने खलल डाला और DLS मेथड के तहत बांग्लादेश ने 3 विकेट से जीत दर्ज कर अपना पहला अंडर 19 खिताब जीता। फ्रेंड्स, आपका यशस्वी जायसवाल के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।